Hey guys, welcome back. If you're new here, my name is Mavish. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share beginner friendly golden eye makeup look, and you can create this makeup look on brides or any party occasion, and you can create this makeup look on your clients as well. And if you want to know how I created this makeup look, then please keep watching. But before jump into the video, please take a moment to like, subscribe and share. So without further ado, let's jump straight into the video. Twilight palette I am using today for this makeup look, and I am going to conceal my eyelid. और ये procedure mostly मैंने अपनी makeup looks में आपके साथ share नहीं किया हुआ. So today I am using this technique before going to apply any eyeshadow on my eyelids. और सबसे पहले मैंने यहाँ पे concealer use किया है. Concealer ये वाला जो है मैंने use किया है जी Glam Girl की palette में से, and उसके बाद मैंने इस eyeshadow palette में से ये वाला आई शेडो उठाया. एंड द शेड नेम इज़ ब्लेजिंग, और ब्लेजिंग शेड से साथ मैं अपनी आई क्रीज को डिफाइन करूँगी, एंड डिफाइन डिफाइन एंड डिफाइन, ताकि कहीं भी हार्श लाइंस जो हैं वो नहीं दिखें, और अच्छे से ये सारी की सारी ब्लेंड हो जाए. उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ्रॉन लिया. इसी पैलेट में एक शेड है सेफ्रॉन, और इसको लेके मैं पेंसिल ब्रश के साथ लगाऊंगी क्रीज पे सेकेंड लेयर, और ये वाली बहुत स्लीक लेयर होगी और एक बहुत खूबसूरती के साथ जो पूरे के पूरे आई मेकअप को जो है वो प्रोमिनेंट करेगी. सो इसलिए मैंने ये वाला सेफ्रॉन शेड लिया, और ये थोड़ा मरून एंड ब्राउन के मेट का कलर है, और बहुत खूबसूरत लगता है आपके इस तरह के आई मेकओवर्स में जहाँ पे आपने गोल्डन आई शेडोज यूज़ करने हो, वहाँ पे बहुत खूबसूरत लगता है. और इसको मैं यहाँ पे अब क्लीन ब्रश की हेल्प से जो है मज़ीद ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हार्श लाइंस ना दिखें. उसके बाद मैं यहाँ पे इस पैलेट में से ले रही हूँ कैशमीर आई शेडो, और इस कैशमीर आई शेडो को मैंने थोड़ा सा ही लिया था. और उसके बाद मैंने फिर क्रिस्टीन की जो है कंटोर स्टिक जो है उसका 04 जो स्टिक कह रही हूँ पैलेट, उसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेडो लिया था, और उसके साथ मैंने यहाँ पर आउटर वी को डिप देनी है, और क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट. बट मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लैक आई शेडो यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे मैंने कैशमीर शेड लिया है. एंड 04 क्रिस्टीन की कंटोर पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन ये वाला शेड लिया था, और इसको मैंने यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए आउटर वी पे इसकी ब्लेंडिंग की है. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर, और यहाँ पे मैं कट क्रीज करी हूँ, और हाफ़ कट क्रीज करनी है मुझे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आउटर वी पे ब्लेंडिंग की हुई है थोड़ा सा एक स्मोकी इफेक्ट के लिए. एंड रेस्ट ऑफ द आई मैं यहाँ पर अब जो बनाऊँगी वो है जी मैट गोल्ड शेड के साथ. इसमें जो मैं शेड यूज़ करी हूँ इसी पैलेट में से मैंने सेलिस्टिकल लिया था एंड एडन लिया था, और इन दोनों को मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करके मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से जो है यहाँ पे अप्लाई किया है. और ये वाले आई शेडो फिंगर की हेल्प से बहुत खूबसूरत दिखते हैं लग के भी, और वैसे इसकी बहुत अच्छा पिगमेंट आता है. अगर ब्रश के साथ लगाएं तो इतना अच्छा पिगमेंट नहीं आता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर ये बोलें कि ये वाली आई शेडो पैलेट ले ली लेकिन वर्थ बाइंग नहीं है, दिस इज़ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट. बट एट द सेम टाइम आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने इसको फिंगर की हेल्प से अगर इसके मेटालिक शेड्स लगाएंगे तो पॉप अप होंगे. अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई वही वाला शेड जो कि मैंने कंटूर पैलेट में से लिया था, और उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ. और एक और जो स्टेप मैंने किया था वो खुदा ब्यूटी का मैंने पिगमेंटेड गोल्डन शेड भी लिया था, जो मैंने थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था. बट वो वाला प्रोसेस मैं अगेन मज़ीद हाईलाइट करूँगी अपनी आई मेकअप के प्रोसेस को कम्प्लीट होने के बाद. एंड अब मैंने यहाँ पर एडन शेड लिया था, उसको लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लिया था. अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आई लाइनर, एंड दिस आई लाइनर इज़ फ्राम क्राइलॉन, माई फेवरेट ब्रांड, एंड बहुत अच्छा स्लीक सा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलाइनर, और उसी को मैं यहाँ पे एज आ काजल भी अप्लाई करूँगी. जैसे कि मेरा जो प्रोसेस है वो यही है, और बहुत अच्छा भी लगता है स्लीक सा लगा हुआ. उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं. आईलैशेस मैंने आई बैंक की यूज़ की हैं. इंस्टाग्राम पे इसका पेज है, अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो इंस्टाग्राम पेज पर जाके इनसे बाय कर सकते. फेस आपके सामने मैंने क्लीन कर लिया था,
एंड मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया है जी मेबेलिन का प्राइमर, और उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे एंड अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई करी हूँ। यहाँ पे है जी एक मेरा पिंपल, और हाइड करने के लिए मैंने ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है। अपर लिप्स में भी रेडनेस है, जैसे कि यहाँ इस एरिया में, क्योंकि कुछ अर्से पहले मुझे यहाँ पे पिम्पल्स निकले थे, बट अभी वो ठीक होने के बाद रेडनेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ग्रीन करेक्टर से हाइड किया। एंड अब मैं यहाँ पे अराउंड माउथ जो ये एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक शेडो फील होता है और नॉर्मली, तो मैं उसको भी थोड़ा सा हाइड करने के लिए यहाँ पे ये वाले टू कैरेक्टर्स को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और ये दो कैरेक्टर्स हैं पीच एंड येलो, एंड इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, नॉट फ्रॉम एनी स्पंज। अगर आप स्पंज की हेल्प से भी करते हैं तो बहुत लाइट सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ब्लेंडिंग नहीं करनी है, नहीं तो फाउंडेशन अगेन एप्लीकेशन के बाद इसमें ग्रे हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको फेस पे सिर्फ 50% आपने ब्लेंड करना है, 50% आपने छोड़ देना है। एंड ये बड़ा सिंपल मेथड था जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ब्लेंडिंग हमें नहीं करनी। एंड रिंग फिंगर से ब्लेंड कीजिए अपने अंडर आई एरिया को एंड जहाँ पे भी आपके फेस के ब्लेमिशेस हैं, क्योंकि फेम जो कि आपके फिंगर्स की वार्मथ होती है उससे बहुत अच्छी मेल्टिंग हो जाती है और फेस पे अच्छा सा बैलेंस आता है एंड कवरेज भी। ये टू फाउंडेशंस यूज़ करी हूँ, फेयर इन मुसरत मिसवास फाउंडेशन एंड द अदर वन इज F1 फ्रॉम क्रायलॉन। और इसको मैं अपने फेस पे लगा के और ऐसे ब्लेंडिंग करी हूँ, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बो है किसी भी एक ब्राइडल मेकअप के लिए, क्योंकि इसके बाद जो आप मज़ीद प्रोसेसिंग करेंगे वो पाउडर्स की है, बट इसकी एप्लीकेशन के बाद से ही फेस पे बहुत अच्छी सी कवरेज आ जाती है एंड फुल कवरेज आती है। और मैं यहाँ पे इस ब्लेंडर की हेल्प से इसकी ब्लेंडिंग करी हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें तो इसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा डैम स्पंज की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट सा भी डैम है तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, बट अपना स्पंज बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, इस तरह से भी फाउंडेशन के ग्रे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस आपको खुद ही रखना होता है कि आपने किस तरीके से अपने स्पंज को एंड अपनी फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करना है। कंसीलर मैं आज यूज़ कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्राइडल मेकअप और हाई कवरेज मेकअप, सो इसलिए जो है यहाँ पे ये वाला प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने सिल्क वूल का कंसीलर यूज़ किया है, और जहाँ पे भी मैंने फेस पे कंसील किया था, कलर करेक्टिंग की थी, वहीं पे मैंने इसको कंसील भी किया है और साथ हाईलाइटिंग भी की है। फेस को मैं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाऊंगी इसी ब्रश की हेल्प से, बस मैंने पूरे फेस को लाइट सा सेट कर लिया। ड्राई स्किन है तो बहुत हाथ रोक के पाउडर इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप पाउडर भर भर के लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं फोकुलर की कंटूर स्टिक यूज़ करी हूँ आपके सामने, आज मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ नहीं करी फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, और इसके ही हेल्प से जो है मैं अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि कंटूरिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं आपके फेस पे, ये किस तरीके से आपकी फेस को खूबसूरती से एक अच्छी डायमेंशन देते हैं। And now I'm going to highlight again this contour, and ये वाली palette Christine की है 04, और इससे मैं again अपने contour को highlight करूँगी, जो कि मैंने पहले cream contour किया था। अब मैं यहाँ पे powder contour से इसको मज़ीद highlight करी हूँ, मैं इसकी अपवर्ड ब्लेंडिंग करूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफी ब्रश, और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है ताकि थोड़ा सा और वार्म क्रिएट हो जाए फेस पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे जॉ लाइन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसकी मज़ीद यहाँ पे ब्लेंडिंग करी हूँ एंड फॉरहेड पे एज वेल, और इस तरीके से फेस जो है बहुत अच्छी डायमेंशंस के साथ जो है आपके सामने है। उसके बाद कंटूरिंग को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे बीबी पाउडर यूज़ करी हूँ, बहुत अच्छा पाउडर है और अब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है। आई थिंक दिस पाउडर इज़ शॉर्ट इन मार्केट, बट दिस पाउडर वॉज वेरी नाइस। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ जी ब्यूटी क्लेस्ट के ये वाले पॉट ब्लशेस, बहुत अच्छे ब्लशेस हैं और फेस पे बहुत खूबसूरत जो है इसका एक पिगमेंट भी क्रिएट होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इसकी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। ग्लैमरस फेस कॉस्मेटिक्स के टेराकोटा ब्लशेस मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ, एंड हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ क्रिस्टीन का हाईलाइटर, एंड इसकी मैं यहाँ पर फेस के हाई पॉइंट्स पर अपने हाईलाइटर को यहाँ पर अप्लाई करी हूँ। इफ़ यू हैव एनी
ही टेक्सचर स्किन, तो ज़्यादा हाईलाइटर आप यूज़ ना करें. एंड दीज टू लिपस्टिक्स, एक है जी टॉप फेस की एंड अदर वन इज़ फ्रॉम ग्लैमरस फेस कॉस्मेटिक्स. इनके कॉम्बो के साथ मैं आज अपने लिप शेड को जो है यहाँ पे अप्लाई करी हूँ. And here is my finished look. I hope you found this video helpful. Do not forget to give me a big thumbs up. If you want to recreate this look, do not forget to tag me on social media. All links are right down below in this video. I love you guys so much and I will see you soon with the brand new one. Bye guys.